आज पूरी दुनिया में कैंसर से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन कैंसर इतनी तेजी से बढ़ने के कारण क्या है? कैंसर होता क्या है और ये कितने तरह का होता है? ये किस तरह बॉडी को अफेक्ट करता है? इसका इलाज कैसे होता है और इससे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? इतना सब कुछ कैंसर के बारे में जानने के लिए आप आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। बिल्कुल जैसे बीमारी से बचाव करने के लिए उस बीमारी को समझना जरूरी है। और आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि कैंसर के बारे में वो सारी जरूरी बातें आप जान सकें, जिनके जरिए आप अपनी और अपनों की सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो बात ऐसी है कि कैंसर एक सीरियस डिजीज है, जिसमें कोशिकाएं यानी कि सेल्स बहुत तेजी से और एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होना शुरू कर देती है। एक नॉर्मल सेल जब कैंसरस सेल में बदल जाती है और तेजी से मल्टीप्लाई करके फैलती जाती है तो इसे कैंसर कहते हैं। नॉर्मल सेल्स जीन्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं कि कब उन्हें ग्रो करना है और कब रुकना है। यानी नॉर्मल सेल्स का डिवाइड होना और मल्टीप्लाई होना कंट्रोल में होता है, जबकि कैंसरस सेल्स बिना कंट्रोल के तेजी से मल्टीप्लाई होती जाती हैं। और नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में ये कोशिकाएं बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और ब्लड कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर बन चुके हैं, जो ज्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं। कैंसर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जब कभी बॉडी में एक जीन या कई सारे जीन्स म्यूटेट करते हैं, यानी जीन उत्परिवर्तन होता है तो कैंसरस सेल्स बनती हैं। ये सेल्स मिलकर के कैंसर क्लस्टर या ट्यूमर बना लेती हैं, और ये ट्यूमर्स बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक भी फैल सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट का एक ट्यूमर लंग्स तक फैल सकता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो सकता है। ज्यादातर कैंसरस की चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में कैंसर एक छोटे एरिया में लोकेटेड होता है और लिम्फ नोड्स या दूसरे टिश्यूज तक नहीं फैला होता है। दूसरी स्टेज में कैंसर ग्रो करता है लेकिन फैलता नहीं है। थर्ड स्टेज आते आते कैंसर ग्रोथ बढ़ जाती है और लिम्फ नोड्स और अदर टिश्यूज तक इसके फैलने के हाई चांसेस होते हैं। और चौथी स्टेज तक पहुंचते हुए कैंसर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स और एरियाज तक फैल जाता है। तो कैंसर की ये फोर स्टेजेस मोस्ट कॉमन स्टेजेस होती हैं, लेकिन कैंसर की एक स्टेज जीरो भी होती है, जो कैंसर की अर्लीएस्ट फेज मानी जाती है और इसे ट्रीट करना आसान होता है। लेकिन कैंसर होने के रीजंस क्या होते हैं? तो सबसे मेन रीजन तो जीन म्यूटेशन ही होता है, यानी सेल्स में मौजूद डीएनए में चेंज होना, जिससे नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में बदल जाती हैं। इसके अलावा रेडिएशन, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन, एयर पोल्यूशन, वायरस, बैक्टीरिया, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, हाई बॉडी मास इंडेक्स और फ्रूट एंड वेजिटेबल का लो कंजप्शन होना भी कैंसर का रीजन बन सकते हैं। कैंसर के कारण जानने के बाद अब हमें कैंसर के टाइप्स भी जान लेने चाहिए। कैंसर बहुत तरह का होता है, यानी इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप्स ये होते हैं। नंबर एक पर है कार्सिनोमा। ये कैंसर की मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है और ये एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करती है। ये सेल्स इंटरनल ऑर्गन्स या स्किन की लाइनिंग बनाती है। लंग कैंसर, स्किन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर और ओवेरियन कैंसर इसी तरह के कैंसर होते हैं। कार्सिनोमा भी कई तरह का होता है, जैसे एडिनोकार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर की ये फॉर्म म्यूकस या फ्लूइड फॉर्मिंग एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करता है। ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर इसी तरह के कैंसर होते हैं। दूसरा है स्क्वीमस कार्सिनोमा। ये स्क्वीमस सेल्स में होने वाला कार्सिनोमा है। स्क्वीमस सेल्स स्किन की मिडिल और आउटर लेयर्स बनाती हैं, और ये कैंसर स्किन, माउथ, टंग, थ्रोट, फेस, लिप्स और ईयर्स जैसे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। तीसरा है बेजल सेल कार्सिनोमा। इसमें एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर में मौजूद बेजल सेल्स अफेक्ट होती है। आपको बता दें कि एपिडर्मिस स्किन की सबसे बाहरी लेयर होती है, और इस टाइप का स्किन कैंसर अक्सर स्किन के उन एरियाज में डेवलप होता है जो सन के कॉन्टेक्ट में ज्यादा आते हैं, जैसे कि फेस। और चौथे नंबर पे है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। इसमें ब्लैडर, यूरेटर्स और किडनी के कुछ पार्ट्स की लाइनिंग में मौजूद ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल्स अफेक्ट होती है। ब्लैडर कैंसर इसी तरह का कैंसर होता है। अब जानते हैं कैंसर के सेकेंड टाइप के बारे में, जो होता है सार्कोमा। कैंसर का ये टाइप बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज में डेवलप होता है, जिसे फैट टिश्यूज, कार्टिलेजेस, ब्लड वेसल्स और लिम्फ में। ये कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे लेग्स, एंकल्स या फीट में,
या फिर शोल्डर्स, हैंड्स या हेड में। कैंसर का थर्ड टाइप है ल्यूकीमिया। इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ये बोन मेरो के टिश्यूज को अफेक्ट करता है और बोन मेरो ही तो ब्लड प्रोडक्शन करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स के अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन की वजह से ये कैंसर होता है, क्योंकि एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स बोन मेरो टिश्यूज को डैमेज कर देती हैं। इससे नॉर्मल ब्लड सेल्स डैमेज हो जाती हैं। नंबर चार पर है लिम्फोमा। लिम्फ नोड्स इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है और जब कैंसर इन लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है तो इसे लिम्फोमा कहा जाता है। नंबर पांच पर है मेलानोमा। ये स्किन कैंसर का एक ऐसा फॉर्म है जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट मेलेनिन को टारगेट करता है। इसमें मेलेनिन की एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगती है। ये स्किन कैंसर बॉडी के दूसरे एरियाज में भी फैल सकता है और इसका मेन रीजन सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है। नंबर छह पर है माइलोमा। इसे मल्टीपल माइलोमा भी कहा जाता है। ये कैंसर प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट करता है और ये एक रेयर ब्लड कैंसर है। इसमें हेल्दी प्लाज्मा सेल्स एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं और मल्टीप्लाई करके एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं। नंबर सात पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसरस यानी CNS कैंसरस, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। मेनिंग्योमस और प्राइमरी CNS लिम्फोमस इसी तरह के CNS कैंसरस होते हैं। मेनिंग्योमस प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं और प्राइमरी CNS लिम्फोमस में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के लिम्फ टिश्यू में कैंसर सेल्स बन जाती हैं। अब कैंसर की ये 7 मोस्ट कॉमन टाइप्स जान लेने के बाद हमें कैंसर के सिम्टम्स का भी पता लगाना चाहिए। तो बिना किसी रीजन के वेट लॉस होना, लंबे समय से चली आ रही थकान, लगातार रहने वाला पेन, अक्सर रात में होने वाला फीवर, स्किन में चेंजेस होना, खासकर मोल्स यानी तिलों का शेप और साइज बदलना और नए मोल्स होना, कैंसर के शुरुआती और कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर इन्हें ट्रीट ना किया जाए तो फिर सीरियस सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जैसे आसानी से ब्लीडिंग हो जाना, स्किन के नीचे ऐसी गांठे बन जाना जो दूर ना हो, सांस लेने में और निगलने में तकलीफ होना। इन सिम्टम्स के बेस पर ही कैंसर का डायग्नोसिस होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और सिम्टम्स को जानने के बाद फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और जरूरत के हिसाब से ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और बायोप्सीज करते हैं। कैंसर डायग्नोस के लिए ब्लड टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, ट्यूमर मार्कर्स और ब्लड प्रोटीन टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड सेल्स को मेजर और काउंट करता है। ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट के जरिए ऐसे सब्सटेंसेस का पता लगाया जाता है जो कैंसर सेल्स रिलीज करती हैं, या फिर जो सब्सटेंसेस नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स के रिस्पॉन्स में रिलीज करती हैं। ब्लड प्रोटीन टेस्ट के जरिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन को मेजर किया जाता है। ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन कैंसरस पर रिएक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम रिलीज करता है। इसी तरह इमेजिंग टेस्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे सिटी स्कैन, एक्सरेज, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और MRI। सिटी स्कैन कैंसरस ट्यूमर्स की लोकेशन और ऑर्गन्स और बोन्स पर उसके इम्पैक्ट का पता लगाता है। एक्सरेज रेडिएशन के थ्रू बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज की इमेजेस बनाता है। पेट स्कैन ऑर्गन्स और टिश्यूज की इमेजेस बनाता है और कैंसर के अर्ली साइंस डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है और MRI के जरिए भी बॉडी में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। और अब जाने कैंसर डायग्नोस के तीसरे तरीके बायोप्सीज के बारे में। तो बायोप्सी ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें बॉडी से सेल्स या टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और उसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। ये भी कई तरह की हो सकती है, जैसे नीडल बायोप्सी जिसके जरिए ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर और लिम्फ नोड्स कैंसर को डायग्नोस किया जाता है। स्किन बायोप्सी स्किन कैंसर को डायग्नोस करने के लिए स्किन का एक स्मॉल सैंपल इस बायोप्सी में लिया जाता है। और एंडोस्कोपिक बायोप्सी जिसमें एक एंडोस्कोप के जरिए बॉडी के अंदर देखा जाता है, इसके लिए स्किन में एक स्मॉल कट करके एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है और एंडोस्कोप एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें कैमरा लगा होता है और साथ में कटिंग टूल भी होता है जो सैंपल लेता है। डायग्नोस के बाद बारी आती है इलाज की। तो कैंसर के डिफरेंट टाइप्स और स्टेजेस को ट्रीट करने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जिनमें से कॉमन कैंसर ट्रीटमेंट्स ये होते हैं। कीमोथेरेपी जो सबसे कॉमन कैंसर का इलाज है और इसमें पावरफुल ड्रग से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी जब रेडिएशन की हाई डोजेस से कैंसर सेल्स को मारा जाता है तो वो रेडिएशन थेरेपी होती है। कई बार रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी को कंबाइन करने की जरूरत भी पड़ती है। सर्जरी ऐसे कैंसरस ट्यूमर्स जो स्प्रेड नहीं हुए हों उन्हें सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है। हार्मोन थेरेपी इसमें कैंसर पैदा करने वाले हार्मोन्स को ब्लॉक करने के लिए हार्मोन थेरेपी दी जाती है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है,
इस ट्रीटमेंट में डैमेज हो चुकी स्टेम सेल्स को हेल्दी स्टेम सेल्स से रिप्लेस किया जाता है। इन कैंसर ट्रीटमेंट्स के जरिए कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और इनके साइड इफेक्ट्स को भी कम से कम रखने का एफर्ट डॉक्टर्स की टीम करती है। लेकिन फिर भी कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट्स के रूप में एनीमिया, थकान, दर्द और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि ऐसी जानलेवा बीमारी से खुद का बचाव कैसे किया जा सकता है, यानी कैंसर के रिस्क को कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है, जैसे टोबैको का यूज नहीं करना, हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन रखना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करना, अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर से बचना और एयर पोल्यूशन से अपना बचाव करना। ये कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिन्हें अपनाकर कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। कैंसर के मामले जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम सब हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, खुश रहें और सूरज की हार्मफुल रेस से स्किन को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी समझें। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, अब इसे यूं खतरे में डालना ठीक नहीं, इसलिए बेवजह के स्ट्रेस और टेंशन को जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। हेल्दी आदतें रखिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। और हाँ, बॉडी में किसी भी तरह के एबनॉर्मल चेंजेस नजर आए तो बिना देर किए डॉक्टर से मिले, क्योंकि जितना जल्दी बीमारी का पता चल जाए उतना जल्दी उसका इलाज पॉसिबल हो जाता है और ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट भी हाई रहती है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैंसर क्या है, क्यों होता है, कैसे इसका इलाज होता है और कैसे हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। इसलिए इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। वैसे शायद आपको पता हो कि कैंसर के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के पर्पज से हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ताकि इससे बचाव और इसके डिटेक्शन और इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज किया जा सके। तो आप भी इसमें कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपना ख्याल रखिए और कैंसर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। और ये काम होगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। आगे कौन सा टॉपिक है जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, उसे शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए रूबी कहेगी आपसे धन्यवाद।